लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। अब साफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा सा एडवांस स्किन केयर वाला। अगर आप चाहते हो अपनी स्किन को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए तो आपको इस स्टेप पे आना है, नहीं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। तो एडवांस स्किन केयर वाले स्टेप में हम बेसिकली कुछ टाइप के केमिकल्स यूज करते हैं अपने फेस पे जिससे कि कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट मिले, जैसे कि पिंपल्स हट जाए, डार्क स्पॉट्स हट जाए वगैरह वगैरह। अब एडवांस स्किन केयर की जो पूरी साइंस होती है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मैं हमेशा एक अलग वीडियो बनाता हूं अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से, वो ग्लोइंग स्किन सीक्रेट्स करके हमारे चैनल पे सीरीज है। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं। जैसे अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो आप थोड़ा सा हाइड्रेटिंग वाला एक फेस टोनर यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको इन जनरल अपनी स्किन को थोड़ा सा और ब्राइट करना है, व्हाइट नहीं, गोरा होने के लिए नहीं कह रहा, ब्राइट मतलब थोड़ी चमक लानी है, तो आप विटामिन सी वाली सीरम्स यूज कर सकते हो। या फिर एक केमिकल जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज करता हूँ, वो है नायासिनामाइड, उसकी भी आप एक सीरम यूज कर सकते हो। उससे आपका फेस और हाइड्रेटेड रहेगा और हेल्दी दिखेगा। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से लड़ना है तो देखो, सबसे पहले तो मैं कहूंगा अगर आपको बहुत सारा एक्ने है, बहुत प्रॉब्लम है फेस पे, तो एक डेफिनेटली स्किन डॉक्टर को दिखा लो, यूट्यूबर्स डॉक्टर्स नहीं है। एनीवे, आप अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से अगर एक वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में बताओ आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, मैं उस हिसाब से उसके लिए सही एडवांस स्किन केयर ढूंढ के आपको बताऊंगा। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।